अस्सलामुअलैकुम। तो यार कल ना आपके भाई का नुकसान होते होते बच गया। हमारे सेटअप के दो मुर्गों ने यहाँ से फरार होने की कोशिश की, लेकिन हमने उनको वक़्त पर पकड़ लिया। अब हुआ यूँ कि मैं ना यहाँ पे मुर्गे छोड़ के तो मैं चला गया बाहर काम से, और जब मैं वापस आ रहा था तो ना दो मुर्गे घर के बाहर घूम रहे थे। मैं सोचूं कि यार यहाँ पे और किसके मुर्गे आ गए। मैंने कहा चलो कोई ना, रखे होंगे किसी ने। जब मैं घर के करीब आया तो यार ये तो अपने ही मुर्गे। मैं सोच के हैरान कि यार ये नीचे आ कैसे गए। तो बाद में ये देखो यार यहाँ पे चढ़ जाते थे, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ना यहाँ से नीचे भी आ जाएंगे, क्योंकि अक्सर वो ना लड़ते लड़ते यहाँ पे चढ़ते थे और फिर वापस से नीचे आ जाते थे, बजाय इसके कि उस तरफ को उड़ जाएं। तो कल इन्होंने यहाँ से छलांग लगा के नीचे चले गए। तो आज हम इसका भी पक्का बंदोबस्त करेंगे कि यार कि यहाँ से ना वापस ना यहाँ से नीचे ना जाएं, क्योंकि अब एक दफ़ा इनको पता चल गया कि यहाँ से नीचे जा सकते हैं, तो यार ये दोबारा ना बार बार फिर से ऐसे करेंगे। तो इसलिए ना आज हम इसका पक्का जुगाड़ करेंगे। ये हमने फ्लैक्स निकाल लिए, अब इस फ्लैक्स को ना यहाँ पे फिट करेंगे। तो आपको मैं नीचे से भी दिखा देता हूँ कि नीचे कितना, मतलब कि ना कितनी ऊंचाई है ये, फिर भी डरे नहीं है। यार अब इस फ्लेक्स को लेकर हम ऊपर चढ़ेंगे, तो वहाँ से ना फिर इस फ्लेक्स को उधर उस तरफ फिट करके ना तो नीचे फेंकेगा, वो वहाँ पे आ जाएगी। तो अब इसको करते हैं सेट हम। तो यार ये हमने यहाँ पे फ्लेक्स लगा दिए, अब इसको नीचे जाके सेट करेंगे। यहाँ पे आगे इसके कील लगा दिए और पीछे इसके इंटे रख दिए ताकि ना सही मज़बूत हो जाए। और अब ये काम रह गया ना इसका, यहाँ पे भी कुछ कील लगे हुए हैं, कुछ यहाँ से उखड़ गए हैं। वो हवा तेज़ चलती थी या इसको मैं नीचे गिराता था ना, वो कील उखड़ जाते थे। तो अब हम इसको सेट करते हैं और नीचे चलते हैं। अब हम ऊपर से सेट करके नीचे आ चुके हैं, फ्लेक्स वहाँ पे लग गई है, और अब उसको ना अंदर की तरफ खींच के ना तो वहाँ पे ना किसी तरह सेट करते हैं। तो यार ये हमने लगा दिया है ऐसे, रस्सी बांध के ना नीचे वो ईंट के साथ बांध दिया। अब हर जगह पे यार कील लगा के तो नहीं ना सही रहता, क्योंकि बाद में जब वो चीज़ उखाड़ते हैं तो ना कील अपने निशान छोड़ जाते हैं, तो वो बुरा लगता है। तो हमने तो काम पक्का ही करना था, तो जैसे भी हो गया, कील के बगैर भी हो गया तो सही है। ये ना फ्लेक्स पहले भी लगी हुई थी, वो ना बारिश की वजह से कि बारिश का पानी ना इस तरफ से अंदर ना आए, तो बाद में उतार दी क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही थी। तो अब फिर अपने ना मुर्गियों की हरकतों की वजह से ना दोबारा फिर से लगाने की नौबत आ गई है, क्या कर सकते हैं चले। यार ये था वो मुर्गा ना जो भागा था, एक ये और एक ये वाला। तो अभी यार ये वाला ना लड़ता भी बहुत है, तो ना मेरा इरादा है कि ना इसकी मैं कढ़ाई बना दूँ। दिल तो बड़ा करता है ना, पर क्या करें, हाथ में नहीं ना आता, तेज़ बहुत है, हाथ नहीं लगता मेरे, पकड़ा नहीं जाता ये। जैसे कि हमने उधर से बंद कर दिया था तो अब उस तरफ कोई मुर्गा जाता ही नहीं, अब इधर घूम ही फिर जा रहे हैं। तो चलो यार ये भी ठीक है, अब मसला सिर्फ ये है। मसला यार अब मसला एक और बन गया, वो जो है ना वो वाला पड़ता है वहाँ पे बैठ जाते हैं, तो उसका भी यार अभी ना करते हैं कुछ, उसका भी हल निकालते हैं कि ना अब ये ना हो कि वहाँ से जाने लग पड़े। और ये वाला भी पड़ता है ना, तो अभी इस हाथ वाले घर में राज तो नहीं हुई, तो अभी चले भी जाएँ तो कोई नहीं वहाँ से पकड़ लेंगे, लेकिन अगर रहाइश हुई तो उसके बाद जाने लग पड़े, तो भाई एक दफ़ा चले गए तो फिर मिलेंगे तो नहीं वापस ना, फिर तो उनकी वो भाई कड़ाई मिलेगी ना।
वो भेज देंगे हमें कि भाई आपका मुर्गा आया था तो ये हम आपको कढ़ाई दे रहे हैं, ये खा लो आप। खैर बाकी ये मसला है, लड़ते बहुत हैं, लड़ते बहुत हैं, क्या करें इनका। चलो सुधारते इनको भी ना, कि इनका तो इलाज मैं करूँगा कोई ना कोई। हमें दे इजाज़त, मिलेंगे आपको इंशाल्लाह एक नई वीडियो में।